वो ये है कि 2020 के अंदर एक न्यू एक्ट आता है जिसे ये लोग NCH एक्ट या NCISM एक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये लोग हमें ये कहते हैं कि आपको जो आपने अपने 4.5 साल की पढ़ाई करी थी उसके पास करने के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा जिसे इन्होंने लाइसेंस एग्जाम या फिर एग्जिट एग्जाम का नाम दिया गया है। जब ये एक्ट ये देखिए RTI की प्रूफ, हम सभी आयुध छात्रों ने RTI की प्रूफ लगाया और RTI के थ्रू सरकार से ये सवाल पूछा कि ये जो एग्जाम है वो आप कब लेंगे, तो इन्होंने ये कहा कि ये जो एग्जाम है ये 2021 के बाद एडमिट किए गए बच्चों के साथ होगा। लेकिन पिछले ही वर्ष 2023 के अंदर ये लोग NCISM और NCH जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की एक गवर्निंग बॉडी है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है और ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो RTI थी वो तो हमने गलती से बोल दिया था। मतलब 2021 के अंदर जो बोला गया उत्तराखंड बोर्ड और NCH बोर्ड ने वो की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं 29 नवंबर और 20 दिसंबर, 29 नवंबर होम्योपैथी के लिए और 20 दिसंबर आयुर्वेदा के बच्चों और यूनानी के बच्चों के लिए, वो बच्चे अब इंटर्नशिप के बाद ये एग्जाम को देंगे। जिस एग्जाम के बारे में हमें कोई भी बताया नहीं गया इस एग्जाम के अंदर क्या आएगा, ये MCQ क्वेश्चन होंगे या फिर थ्योरी बेस्ड पेपर होंगे, कोई भी नहीं बताया गया है अभी तक हमें। और इनका सिर्फ ये कहना है कि 270 दिन जब अपने आप इंटर्नशिप के पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको एक पेपर देना है। साथ ही साथ ये लोग ये कहते हैं कि जो हमने अपने 18 बैच के लिए 18, 19 या 20 बैच या फिर कुछ देश के अंदर ऐसे भी हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो गए, ठीक है, या बिहार हो गए, वहाँ पे गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि सही टाइम पे पेपर को करवा सके। मतलब 5.5 साल का कोर्स। हेलो, मैं ये पहले बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग हैं एग्जिट एग्जाम का विरोध कर रहे हैं, ये है, पहले तो हम लोग नीट के ही थ्रू एडमिशन लिए हैं, जैसे आप लोगों के साथ नीट में ही पहले ही घपला हो गया, पेपर लीक हो गया, हम लोगों के साथ उस समय पेपर हो गया था, दिमाग से लीक हुआ हो तो पता नहीं चला, तो उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसमें ये था कि आप 4.5 साल पढ़ाई करेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग इंटर्नशिप में पहुंचे तभी एक आ गया, 2020 में इन्होंने रेगुलेशन लाई थी कि हम 3 साल में एक नया कानून लाएंगे कि जो भी बच्चे 2021 के पहले एडमिशन ले लिए हैं उन्हें ये एग्जिट एग्जाम नहीं देना होगा। लेकिन 2023 में जब रेगुलेशन आया उन्होंने एक डेट ला ली 29 नवंबर 2023, और उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे, और उसके बाद जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं वो एग्जिट एग्जाम देंगे, मतलब उससे पहले जो इंटर्नशिप ज्वाइन किए वो नहीं देंगे। लेकिन एक ही बैच के कुछ बच्चे पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं और कुछ बच्चे बाद में क्या ज्वाइन किए हैं, तो राइट टू इक्वालिटी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। उसके बाद फिर इन्होंने, हम लोगों ने जब RTI मांगा तो RTI में इन्होंने कहा 2021 के पहले के बैचों पे ये एग्जाम नहीं लागू होगा। और हम लोग जब एडमिशन लिए उस समय कुछ नहीं बताया गया था कि लाइसेंस एग्जाम होगा, लेकिन अब ये लाइसेंस एग्जाम ले रहे हैं, तो हम लोग की बस यही मांग है कि नया जो रूल आया वो नए बैच से लागू हो, ना कि पुराने बैच से, जिस तरह MBBS में हुआ है कि नए बैच से लागू हुआ है, 2024 से लागू हुआ है, 2029 में कंडक्ट होगा। और हम अपने ही देश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ना कि बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो हमारा एग्जिट एग्जाम क्यों, लाइसेंस एग्जाम क्यों, हम इसी देश के छात्र हैं, इसी देश की शिक्षा प्रणाली से आए हुए हैं, तो हमारा एग्जिट एग्जाम वापस ले, जो नया कानून आए नए बैच से लागू हो, बस यही हमारी आयु छात्रों की मांग है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय NSUI, जय राहुल गांधी।